हाय, आई एम सुदर्शन गुप्ता, गवर्नमेंट एक्सेलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर वन शिवपुरी। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साथियों, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आगे की कुछ प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। इसमें पहली है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसमें साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है एक्स -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार सेकंड है कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस के टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार हम आगे की और भी हम कर सकते हैं, हम लिखेंगे, पहले इनको करते हैं। इसके लिए पहली है, हमने माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल थीटा, उसको लेट कर लिया और इससे माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा माइनस का एक्स इक्वल साइन थीटा। इससे एक्स की वैल्यू आएगी माइनस के साइन थीटा। अब ये माइनस हमें हटाना है, तो ये ध्यान देना है कि साइन में माइनस दो जगह रहता है, एक थर्ड वाले में एक फोर्थ वाले में, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ। तृतीय में जाएगा पाई प्लस करके और चौथे में जाएगा माइनस थीटा करके, 360 माइनस या माइनस थीटा। हमें मालूम है कि चूंकि ये हमारा इनवर्स फंक्शन है और इनवर्स में साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स में जो वैल्यू रहती है वो माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में रेंज आती है, और माइनस π/2 से प्लस के π/2 के बीच में जो रेंज है तो π/2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसको इधर करेंगे तो पाई प्लस थर्ड वाले में पाई प्लस करके जाते हैं तो पाई प्लस करेंगे यानी 180 प्लस, तो ये हमारा इस रेंज के बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम माइनस थीटा करेंगे तो इसको हम लिखेंगे साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ पे हम पाई प्लस थीटा लिख देते हैं तब भी माइनस साइन थीटा होता, पर पाई प्लस थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि पाई बाई 2 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको इधर भेजेंगे वापस तो इससे हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल माइनस का थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। इससे थीटा की वैल्यू आएगी माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ये इक्वेशन सेकंड, इसको अपन फर्स्ट मान सकते हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट में भी ये थीटा की वैल्यू थी और सेकंड में भी ये थीटा की वैल्यू है, तो फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा हमें, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस के साइन इनवर्स एक्स। इस प्रकार से ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो जाती है आज की। सेकंड के लिए हम देखते हैं कौन सी थी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसके लिए हम क्या करते हैं कि वही पुराना तरीका, लेट कर लिया कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा। इससे हम माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का कॉस थीटा। इसमें भी हमें जो माइनस हटाना है, इसमें भी हम वही पुराना तरीका देखते हैं कि कॉस माइनस किस किस में रहता है, सेकंड में और थर्ड में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं और जो कॉस वाला फोर्थ में पॉजिटिव रहता है, तो कॉस में नेगेटिव रहता है इसमें। सेकंड में कब जाएंगे, पाई माइनस करके, इसमें जाएंगे पाई माइनस थीटा करके, और इसमें जाएंगे थर्ड वाले में पाई प्लस करके। लेकिन हमें मालूम है कि ये चूँकि कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स में जो रेंज रहती है वो 0 से पाई के बीच में रहती है, यानी पाई से हम आगे नहीं जाना, तो हम पाई प्लस नहीं कर सकते, पाई माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें पाई से आगे जाना ही नहीं है। तो इसके लिए हम करेंगे कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो कॉस पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, पर हमने बताया कि पाई प्लस यानी पाई से ज़्यादा हो जाएगा, हमें पाई से ज़्यादा नहीं चाहिए, हम रेंज के अंतर्गत ही हमको रहना है, हम रेंज के बाहर हो जाते यदि पाई प्लस करते तो। अब इसके लिए हम इसको इधर भेजें तो जो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई माइनस थीटा, और इसे थीटा की वैल्यू निकालें तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दें थीटा इक्वल, और जो हो जाएगा पाई इसको हम इधर भेजें माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये सेकेंड इक्वेशन हमने जो पहले बनाया था लेट करके, जिसको फर्स्ट वही पुराने तरीके से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें ये थीटा की वैल्यू है और ये भी थीटा की वैल्यू है, तो आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये अपना सेकंड, आज की सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। इसी प्रकार से हमें थर्ड प्रॉपर्टी के लिए भी हम देखते हैं, हम इसी के पीछे कर देते हैं। देखें थर्ड प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस के टेन इनवर्स एक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लेंगे, इससे हमारा माइनस एक्स आ जाएगा टेन थीटा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का टेन थीटा। इसमें भी हमें वही करना है, क्योंकि टेन में जो वैल्यू आती है, टेन इनवर्स में रेंज आती है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ऐसी रहती है, तो पाई बाई टू से इसमें भी हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना, तो हम लिखेंगे टेन माइनस का थीटा। हम टेन में माइनस रहता है, एक इसमें रहेगा और एक इसमें रहता है, क्योंकि हम पाई माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि पाई माइनस करेंगे तो वो इतना कम नहीं हो पाएगा जितना पाई बाई टू से भी हमें कम करना है, तो ये माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। तो इसको वापस इधर भेजें तो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल माइनस थीटा, इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, थीटा आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स, और जो सेकंड और पुराना इसको फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या मिलेगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस के टेन इनवर्स एक्स। ये आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी कुछ जो तीन अपनी हो गई, फिर इसके बाद चौथी, पांचवी और छठवीं तीन और होती हैं। इसके लिए कोसेक का है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। पाँचवा वाला सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स है, ये इक्वल सेक में अपना कोस का चलता है, कोस के साथ वाला पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और एक आ जाएगा कोट इनवर्स माइनस एक्स, ए बी पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। इस प्रकार की हम तीन प्रॉपर्टी और आसानी से प्रूफ कर सकते हैं।